फ्रेंड्स, अगर खाने की बात की जाए तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन अगर इस खाने में अगर हम जंक फूड की बात करें तो आज की जनरेशन सबसे पहले प्राथमिकता देती है तो जंक फूड को। जी हाँ, आज के समय में आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा जंक फूड पसंद करती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जंक फूड हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होते हैं? जी हाँ, बात करें बच्चों की तो बच्चों को अक्सर घर का खाना छोड़कर जंक फूड ज़्यादा पसंद आता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बच्चों की सेहत पर ये जंक फूड कितना बुरा असर डालता है। तो चलिए बताते हैं आपको। आजकल बच्चे पोषक तत्वों के लिए नहीं बल्कि जीभ के स्वाद को बढ़ाने के लिए भोजन करते हैं। जी हाँ, और यही वजह है कि फास्ट फूड उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है, लेकिन ये जंक फूड उनकी सेहत को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा रहा है। देखा जाए तो जंक फूड से दिन पर दिन ऐसी कई समस्याएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि आपके बच्चे बीमार पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और उनमें कई ऐसी बीमारियां हैं जो उनको बढ़ावा देती जा रही हैं। तो आइए बताते हैं आपको कि बच्चों को जंक फूड खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्कूली बच्चों का मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, जहाँ एक ओर उनकी मम्मी लंच बॉक्स में जंक फूड पैक करके दे देती हैं, तो ऐसे में सेहत के लिए सबसे बेहद ख्याल रखना जरूरी है कि आप लंच में उनको हेल्दी भोजन पैक करके दें। देखा जाए तो लड़कों में पेट के हिस्सों का मोटापा अधिक देखने को मिल रहा है, वहीं लड़कियों को पूरे शरीर का मोटापा घेरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में एक शोध में खुलासा हुआ है कि जहां पर 4 सरकारी और 4 प्राइवेट स्कूल के करीब 12,000 बच्चों पर शोध किया गया था, और इस शोध में 19% छात्र छात्राओं में मोटापे की समस्या पाई गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन करने से और खेलकूद में रुचि ना दिखाने से ये समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे खाना खाकर बैठे होते हैं और ज़्यादातर बच्चों में देखा जाए तो मोबाइल एडिक्शन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, आज के समय में बच्चे मोबाइल ज़्यादातर यूज़ करते हैं और वो फिजिकली यानी कि खेलकूद करना पसंद ही नहीं करते हैं, और ऐसे में जंक फूड के सेवन से उनमें बढ़ती जा रही है मोटापे की समस्याएं। तो बताते हैं आपको कि मोटापे की ये समस्याएं और जंक फूड खाने से क्या क्या प्रॉब्लम बढ़ती हैं। आपको बता दें कि फास्ट फूड खाने से लिवर कमज़ोर रहता है। जी हाँ, अगर आप अपने बच्चे को भोजन में फास्ट फूड दे रहे हैं तो उनसे होगा उनका लिवर कमज़ोर। साथ ही साथ फास्ट फूड का सेवन करने से बच्चे का दिमाग भी कमज़ोर होगा, और इसके अलावा बच्चों में बढ़ती जा रही है मोटापे की समस्याएं। इतना ही नहीं, फास्ट फूड का अधिक सेवन करने से बच्चे में डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो फास्ट फूड आप अपने बच्चों को खिला रही हैं उनसे छुटकारा कैसे दिलाना चाहिए? जी हाँ, आपको बता दें कि बच्चे के खान पान को लेकर एक लिस्ट तैयार कर लें और इस लिस्ट में उनकी पसंद का खाने को ध्यान रखते हुए पौष्टिक आहार को शामिल करें, जिससे कि आपका बच्चा इन फूड्स को धीरे धीरे लाइक करने लगेगा और उनकी तरफ से फास्ट फूड खाने की लत धीरे धीरे हटती जाएगी। वहीं अब बात करते हैं योग और एक्सरसाइज की। योग और एक्सरसाइज हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यदि आप अपने बच्चों में योग और व्यायाम करने की आदत डालते हैं तो उनका शरीर स्वस्थ और मन शांत भी रहेगा। इतना ही नहीं, घर में बने खाने में ही कुछ बदलाव लाकर आप अपने बच्चों के स्वाद को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में ही कर सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे कई सारी चीज़ करके आप अपने बच्चों को फास्ट फूड से दूर रख सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए क्यूरिन हेल्थ टेक से प्रांशी की रिपोर्ट, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।